साहित्य का अस्तित्व सृजन से होता है। किसी भाषा के सुखद विकास के लिए उसका साहित्य समृद्ध होना चाहिए। मॉरिशस में हिंदी साहित्य सृजन की शुरुआत से लेकर आज तक कई रचनाएं उपलब्ध हैं। चलिए आज कुछ ऐसे प्रकाशन के बारे में बात करते हैं जो युवाओं से जुड़े हुए हैं। मीनू को यदि यह पता नहीं होता कि गांव वाली आपत्ति मेरी भाभी की न होकर मेरी अपनी है, तो कदाचित किसी आज्ञाकारी पत्नी की तरह उससे मेरा परामर्श या आज्ञा चिरोधार्य होती। भाव गगन की तितलियां नाम देते हुए डॉक्टर राजरानी गोबिन किस तरह अपने विचारों को शब्द का रूप देती है। मॉरिशस के इतिहास में यह भी सिद्ध करना कि नारी जो है वो कम सशक्त नहीं है। कॉलेज के हिंदी पाठ्यक्रमों से जुड़े हुए एक लेखक जय जीवित के मन की बात और कक्षा में उनकी रचनाओं का पठन और पाठ। मैं सोचती हूँ जिस समय उन्होंने इस कहानी का सृजन किया, ये वह वक्त था जहाँ मॉरिशसीय समाज में ज्यादातर बड़े भाई और भाभी अपने अनुज भाई की जिम्मेदारी लेते थे। आइए स्थानीय हिंदी साहित्य के पन्नों को पलटते हैं हिंदी साहित्य मॉरिशस का नामक कार्यक्रम में। हिंदी साहित्य सागर की तरह है जो बहुत ही गहरा और रहस्यदार है। चलिए रुख लेते हैं महात्मा गांधी संस्थान की ओर और हिंदी छात्रों तथा छात्राओं द्वारा प्रकाशित युवाज पत्रिका पर बात करते हैं। युवाज का लोकार्पण 2014 में हुआ था, जिसे माननीय श्रीमती लीला देवी दुकन ने किया। इस न्यूज़लेटर के माध्यम से, सूचना पत्र के माध्यम से हम छात्र जो है, पूर्व छात्र और अभी जो छात्र है, हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हिंदी सप्ताह के अंतर्गत जो एक वार्षिक कैसे कहें गतिविधि होती है महात्मा गांधी संस्थान में, उसमें हम लोग जो 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 गतिविधियाँ होती हैं उसका रिपोर्ट, उसकी रिपोर्टिंग, एडिटिंग, पृष्ठ सज्जा, ये सब हम लोग करते हैं। इसमें न केवल मतलब न केवल प्राध्यापक गण होते हैं बल्कि छात्र भी अपना मतलब सहयोग देकर इसको करते हैं। इस साल का ये 8वां प्रकाशन है जो हम लोग निकालते आ रहे हैं। प्रायः यह युवाज जो है ये 3 मित्रों द्वारा शुरू हुआ और धीरे धीरे चलते गए हम लोग, और इसमें नए लोग, नए दोस्त जुड़ते गए। आज न केवल हम 3 दोस्त हैं, पर साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि अब जितने भी छात्र यहाँ महात्मा गांधी संस्थान में पढ़ रहे हैं, चाहे वो बीए के छात्र हो या एमए के छात्र हो, वे लोग भी हमारा साथ देते हैं युवाज को बनाने में। जहाँ पर रिपोर्टिंग करनी होती है, फ़ोटो लेना पड़ता है या एडिटिंग करनी होती है, वे लोग साथ देते हैं। साथ ही साथ महात्मा गांधी संस्थान के जितने भी प्राध्यापक गण हैं, वे लोग भी हमारा सहयोग देते हैं। महज 7 दिनों के भीतर प्रकाशित किया जाने वाला यह वार्षिक पत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें हिंदी सप्ताह की सभी गतिविधियां एक तरह से हमें डॉक्यूमेंटेड तौर पर उपलब्ध होती हैं। कोई भी हिंदी साहित्य सप्ताह के विकास को समझना चाहता हो, अब तक के हुई गतिविधियों को समझना चाहता हो, तो हमारे यहाँ आप लोगों के MBC के माध्यम से, अखबारों की रिपोर्ट्स के माध्यम से, कुछ जो रिपोर्ट्स हैं, कुछ जो हमारे यहाँ ये आपके
टेलीकास्टेड वीडियोस हैं, समाचार हैं, उनके अलावा महत्वपूर्ण पत्र के तौर पर एकमात्र हमारे पास स्रोत युवाज है और लगातार प्रकाशित हो रहा है। इस वर्ष भी वो प्रकाशित हुआ और आप देखेंगे कि नए अपने आकार में, नए रूप में, उसमें फॉन्ट का जो परिवर्तन हुआ है और युवाज में जिन लोगों ने लिखा है अधिकांश विद्यार्थी हैं और इससे उनकी भाषिक क्षमता का पता चलता है। युवाज जो है वो युवा हिंदी की आवाज़ है। युवाज के माध्यम से अनेकानेक जितने भी हमारे नव युवक हैं, नव युवतियाँ हैं, उन लोगों को मौका दिया जाता है। मैं यहाँ पर खास बात करना चाहूँगी हमारी एक छात्रा जो है, हमारी एक दोस्त जो है पूर्वा रामदीन का, जिन्होंने जब वो पहले प्रथम वर्ष में थी उन्होंने मिलकर हमारे साथ युवाज की टीम में भाग लिया। उन्होंने अपनी रचनाएं लिखनी शुरू की, वो रिपोर्टिंग कर रही थी और साथ ही साथ लिख भी रही थी। धीरे धीरे उसने धीरे धीरे वो अब एडिटिंग टीम से जुड़ गई है, वो एडिटिंग का काम भी कर रही है। तो हम लोग अपनी ओर से बस यही कोशिश करते हैं कि उसको प्रोत्साहित करें। अब वो हिंदी सप्ताह में अनेकानेक गतिविधियां जब होती है, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो, कविता पठन प्रतियोगिता हो या अभी जैसे चल रहा है, इन सब गतिविधियों में वो भाग लेती आ रही है और वो जीतती भी है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि युवाज बस एक छोटा सा, एक छोटी सी कदम है आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको अपनी भाषा से प्रेम है, आप इसी संस्थान में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसी संस्थान का जो सूचना पत्र निकल रहा है उसमें आप लोग भाग ले सकते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से कल हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, हम अपनी पहचान बना पाएंगे। कल मानकर चले अगर किसी को इंटरव्यू में जाना है, कुछ भी हो, हमारे जितने भी बच्चे हमारे साथ होते हैं, जितने भी विद्यार्थीगण साथ में युवाज निकालते हैं, सभी को एक एक प्रति अवश्य दी जाती है। कल वे लोग इसको एक रेफरेंस के माध्यम से इसका प्रयोग कर सकते हैं, इनका नाम छपता है, इनका काम यहाँ पर देखने योग्य, उसको प्रोत्साहित किया जाता है। भाव गगन की तितलियां डॉक्टर राजरानी गोविंद का लिखा हुआ एक बहुत ही मर्म प्रकाशन है तथा इसमें जीवन की सच्चाई भी झलकती है। नारियों के हृदय की भावनाओं को छूती हुई बचपन का दौरा करते हुए समाज की हकीकत तक पहुंचकर आपने अपनी कलम चलाई है। आइए भाव गगन की तितलियों को हम साथ में निहारते हैं। जीवन में जब मर्म भेदी घटनाएं घटती है तो संवेदनशील मनुष्य उनसे अत्यधिक प्रभावित होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता रहा है। जब भी कोई विशिष्ट घटना घटी मैं उससे प्रभावित हुई और चिंतन मनन करती रही। कालांतर में वही चिंतन मनन कविता का रूप धारण कर गया। मेरी पुस्तक भाव्य गगन की तितलियाँ में 41 कविताएँ हैं जो विविध विषयों पर आधारित है। इसमें मॉरिशस है, मॉरिशस की लहरें हैं, COVID-19 है, हिंदी भाषा है, प्रवासी है, आप्रवासी है, विविध विषय है इसमें। पर इन समस्त विषयों में मेरी निजी अनुभूति, मेरा अनुभव, मेरी प्रतिक्रियाएं अभिव्यक्ति पा गई है। मॉरिशसीय हिंदी साहित्यकारों में एक नाम जिनका जन्म 12 फरवरी 1950 में त्रियोले गांव में हुआ। सन 1971 से 78 तक हिंदी शिक्षण से जुड़े रहने के पश्चात आप उच्च शिक्षा हेतु भारत चले गए। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से हिंदी में बीए करने के बाद 1981 से 2001 तक थियोले के लेडी सुशील एसएसएस में शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे। आज स्वास्थ्य की अनुमति न होने के कारण उनके जीवन के बारे में उनकी पत्नी से सुनते हैं। हम 47 इयर्स से जानते हैं और साथ में हैं
वो शादी के बाद हम वो छोड़कर चले गए थे, एक साल के बाद वो इंडिया गए अपने वो पढ़ाई के लिए। 3 साल के बाद आए, तब हम फिर से अपना घर बनाए और तब से साथ में है बच्चे। और इनके लेखन के बारे में, इनकी पुस्तक, हाँ ये तो बहुत पहले से लिखते हैं, 20 साल का था तब से। वो पहला, वो जो पहला जब टीचर के काम में गए तो वो कहानी लिखना शुरू किया, तब से आज तक लिखते हैं। और पढ़ाई भी बहुत करते हैं, वो पसंद करते हैं पढ़ना। जब वे लिखते थे तो आपको सुनाते थे वो लिख, हाँ क्या लिखा है आपको? हाँ, और वो जो जो भी याद आता था तो वो एक पेपर में लिख दिया करता था, तो वो डॉक्टर के हैंड राइटिंग थे, मैं सब समझ जाती थी। जय जी के परिवार से हमारी मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छा लगा। उनके बेटे विदेश में हैं और एक बेटा उनके साथ है। उनके बेटे ने कहा कि पिताजी हमको हमेशा पढ़ाते थे, उनकी रुचि हमेशा पढ़ने में थी। उनका पहला हिंदी अध्यापक तो उनके पिताजी ही थे। आज गर्व की बात है कि उनकी रचना को कई लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि पाठ्यक्रमों में भी है। मूलभूत आवश्यकता हो, शिक्षा पढ़ाई हो या फिर उनके विवाह हो, उनके खर्च उठाने में जिम्मेदार रहते थे। यहाँ पर देखते हैं लेखक की पत्नी मीनू बोलती है, इंसान गलतियों का पुतला ही तो है, और जब इंसान होकर मुझसे जाने अनजाने एक गलती हो भी गई हो तब परोसी हुई थाली उछालने की क्या जरूरत है। मैं सोचती हूँ जिस समय उन्होंने इस कहानी का सृजन किया, ये वह वक्त था जहाँ मॉरिशसिया समाज में ज़्यादातर बड़े भाई और भाभी अपने अनुज भाई की जिम्मेदारी लेते थे, चाहे उनके मूलभूत आवश्यकता हो, शिक्षा पढ़ाई हो या फिर उनके विवाह हो, उनके खर्च उठाने में जिम्मेदार रहते थे। अब इसी स्थिति को मूल संवेदना बनाकर लेखक ने इसी कहानी में अभिव्यक्त करने की कोशिश की। क्या पता था कि जिस भाई ने पढ़ा लिखा कर मुझे इस लायक बनाया है कि समाज में अपनी पोजीशन बना सकूं, गृहस्थी का भार स्वयं वहन कर सकूं, वही नशे में धुत मेरी पत्नी की उपेक्षा करने की ताक में रहेंगे। यहाँ पर भी उर्दू शब्द का पूरे प्रयोग हुआ है, बोलो वर्षा। यहाँ पर एक अंग्रेजी शब्द भी है, पोजीशन। बहुत अच्छा। अब उपेक्षा, इसका अर्थ क्या है? तिरस्कार। बोलो। तिरस्कार। हाँ, और एक शब्द अपमान। बहुत अच्छा। सबसे पहले मैंने पोस्ट रीडिंग की, यानी इस कहानी को चैप्टर वाइज पढ़ पढ़ के उनको सभी मुख्य घटनाओं से अवगत करवाया। तब मैंने उन लोगों से प्रत्येक अध्याय के मुख्य विचारों और पात्रों पर लिखने का निर्देश दिया। इसके अलावा मैंने विचार उत्तेजक विधि यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग अपनाकर कहानी का विश्लेषण किया, साथ साथ प्रश्नात्मक विधि यानी क्वेश्चनिंग के माध्यम से मैंने उन छात्राओं के विचार और सोच को सुना। हम दोनों पक्ष मिलजुल कर मुख्य विचारों को श्वेत पट पर लिखना आरंभ किया। एक और लेखक के बड़े भाई और भाभी हैं, उन्होंने उनका पालन पोषण किया, उन्हें पढ़ाया और एक सफल व्यक्ति बनाया, जबकि दूसरे ओर उनकी पत्नी जिनसे उनकी शादी हुई और मीनू उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। बड़े भाई पारंपरिक सोच की हैं जबकि मीनू आधुनिक स्त्री। पारंपरिकता तथा आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित करने में लेखक संघर्षरत तथा प्रयासरत रहे। भाई भाभी का तिरस्कार नहीं किया जा सका और मीनू की बातों को नकारा ना जा सका। भाई देवर के नाते जब भैया भाभी की सुनता हूँ
तो मीनू को असंतुष्ट करने का अभिशाप झेलना पड़ता है, और एक पति के नाते जब मीनू की वकालत करता हूँ तो भैया भाभी की मुख्य शिकायतें मेरे वैवाहिक जीवन को विषाक्त करने लगती हैं। यहाँ पर है मीनू की वकालत करता हूँ, इसका अर्थ क्या है? लेखक क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? रक्षिता, मीनू का समर्थन करना। आत्मकथात्मक शैली एक ऐसी शैली है जहाँ पर लेखक आसानी से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इस शैली के आधार पर लेखक अभिव्यक्ति में एक सैतिक स्पष्टता झलकती है, जिस प्रकार से लेखक ने आत्मकथात्मक शैली के माध्यम से कहानी की कथा प्रस्तुत की, उसमें एक तारतम्यता और कहानी का संदेश भी उभर कर सामने आता है। कहानी में व्याप्त मुख्य घटनाएं, स्थितियां और संवेदनाएं हैं। मीनू को यदि यह पता नहीं होता कि गांव वाली आपत्ति मेरी भाभी की न होकर मेरी अपनी है, तो कदाचित किसी आज्ञाकारी पत्नी की तरह उससे मेरा परामर्श या आज्ञा चिरोधार्य होती। पर यह जानते हुए कि मैं अपनी भाभी की आपत्ति को वाणी प्रदान कर रहा हूँ, वह भला कैसे चुप्पी साधती। तर्क का दामन पकड़े उसने अपनी सफाई दी थी। कपड़े की उपयोगिता महज इतनी होती है कि वह हमारा शरीर ढके, और जब मेरा गांव मेरे शरीर को उतना ही ढक रहा है जितना मेरी साड़ी, तो मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि मैं गांव क्यों न पहनूं। संतुलित रूप को बिठाने में वो सकने के लिए वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक दुविधाजनक स्थिति। यहाँ पर हम बता रहे थे कि किस प्रकार से जयजीत ने इस कहानी के माध्यम से एक ऐसे परिवार का चित्रण किया जो अपने आप में बहुत ही प्रासंगिक है। उस जमाने की बात हम कर रहे हैं जहाँ पर अर्ली जो 90s है, जो 90 के दशक की बात हो रही है, ये उस समय है जहाँ पर जो शिक्षित वर्ग है। जिस समय इस कहानी की रचना की गई थी, यहाँ वहाँ दौर था जहाँ पर संयुक्त परिवार का बोलबाला था। इस प्रकार की परिवार के सदस्यों के बीच में नोकझोंक दूदू मैमै का होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है। एक और अजय के बड़े भाई की सोच है, जबकि दूसरी ओर उनकी पत्नी मीनू की अपनी सोच है। भाभी का हमेशा साड़ी पहनना, मीनू का साड़ी ना पहनकर गाउन पहनना और गाउन पहनने की सफाई पेश करना, ना कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर जेठानी और देवरानी के बीच में क्लैश ऑफ आइडियाज जैसे समस्याएं आती हैं। अजय की शादी के बाद उनके भाई भाभी उनके पत्नी मीनू की हर बात का गलत अर्थ निकालने लगते हैं। यहाँ तक कि अजय को ऐसा अनुभव होने लगता है मानो जाने अनजाने वह एक चाहे अनचाहे रिश्ते में उलझ गया है। जबकि दूसरी ओर हमें ये देखने को मिलता है कि ये एक उनकी पत्नी जिसका नाम मीनू है, जो वो अपने वर्तमान जी रहे हैं, उनके भविष्य का निर्माण करने में मीनू के माध्यम से, बड़े भाई के माध्यम से और बड़ी भाभी के माध्यम से एक ऐसे समाज का चित्रण किया जो संपूर्ण रूप से मॉरिशसीय है। इस कहानी में वैचारिक वैमनस्य की समस्या मुख्य रूप से चित्रित की गई है। अजय एक शिक्षित और एक स्वावलंबी व्यक्ति है। उसकी सोच में आधुनिकता और तार्किकता है। बात करने से पहले वो विचार विमर्श करता है, इसलिए उसका निर्णय संतुलित है। परंतु उसका बड़ा भाई अशिक्षित है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता है। उदाहरण स्वरूप, एक दिन रसोई घर में मीनू चावल बीन रही थी और चावल से धूल निकल रही थी। तभी अचानक से अजय का बड़ा भाई नशे में चूर होकर घर आ गया और भोजन करने लगा।
गलती से उसके भोजन में चावल की धूल चली गई। उसको क्रोध आया और थाली फटकार देता है और मीनू को बहुत डांटता है। उसकी सोच संकुचित है, परंतु अजय की सोच तार्किक है। जैसे कि मीनू की गाउन पहनने के विषय पर भैया और भाभी का क्रोधित होना, हम कह भी सकते हैं कि अजय पारिवारिक समस्याओं से जकड़े हुए हैं। एक ओर उसकी माँ की मृत्यु के पश्चात उसकी भाभी ने उसके प्रति माँ के कर्तव्य निभाई और उसके हर आवश्यकताओं की पूर्ति की है, और दूसरी ओर उसकी पत्नी मीनू उसके जीवन में है। वह इन दोनों के विरुद्ध नहीं जा सकता है, इसलिए वह चुप रहता है या फिर अकेले समुद्र तट जाकर इन समस्याओं पर विचार करता है। ये भी जानना जरूरी है कि अजय एक शिक्षित व्यक्ति है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करता है, अध्यापक है, ओके? तो वहां पर वो अपने जो उनके भीतर की जो तार्किकता है, जो तार्किक दृष्टि है, वो सभी चीजों को तार्किक दृष्टि के साथ देखता है। जबकि दूसरी ओर हमें ये देखने को मिलता है कि ये एक उनकी पत्नी जिसका नाम मीनू है। 80 और 90 के दशक के दौरान ये एक ऐसा वक्त था जहाँ पर माता पिता नहीं बल्कि बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहन के सब खर्चे उठाते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अजय के बड़े भाई और भाभी ने अजय के जिम्मेदारियाँ उठाई थी। उन्होंने अजय को खाने पीने तक अपनी शिक्षा का भी खर्चा उठाया। अजय के भैया और भाभी ने उसको छोटे से पाला और उसको अच्छे से ध्यान रखा। उन लोगों ने उसको अच्छी परवरिश दी, तभी आज अजय अपने जीवन में सफल है। वह कॉलेज में अध्यापक की नौकरी करता है। संयुक्त परिवार का प्रचलन इस दशक में ज़्यादा था क्योंकि अजय अपने भाई और भाभी के साथ रहता था। उसने शादी के बाद भी अपना खुद का घर नहीं बनाया था, वह अपनी पत्नी के साथ उसी घर में रहता था। आधुनिक समाज में ज़्यादातर पति और पत्नी अलग रहते हैं, वे अपने माता पिता के साथ नहीं रहते हैं। यहाँ इस समाज का चित्रण है जहाँ पर एक शिक्षित और आधुनिक सोच वाली बहू की शादी एक ऐसे घर में होती थी जिसमें ऐसे सदस्य रहते थे जिनकी सोच पारंपरिक और रूढ़िवादी थी। हर एक कहानी का शीर्षक अपने आप में महत्वपूर्ण और प्रासंगिक होता है। चाहे अनचाहे शब्द अजय की उस दुविधाजनक स्थिति का चित्रण है जो हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। वास्तव में मनुष्य समाज, खासकर संयुक्त परिवार में ऐसे कई अजय हैं जो इस दुविधाजनक स्थिति से जूझ रहे हैं। शादी होने के बाद कई पुरुष इस स्थिति में फंस जाते हैं और वह सोचने लगता है कि किसके साथ देना चाहिए, अपने माता पिता के साथ या जिसके साथ उनका भविष्य है। वो समुद्र तट जाते थे, वहाँ पर अपने जितने सारे जो समस्याएं हैं, ओके, वहाँ जाकर के वे विचार विमर्श करते थे, विचारते थे कि कैसे उस समस्या का समाधान मिल सके, ओके? और जयजीवंत ने इस कहानी के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की कि जब इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो हम बच नहीं पाते हैं। लेखक जयजीवंत ने अपने सारे समय लेखन को दिया। अस्वस्थ होने के कारण भी उनका परिवार उनका साथ देता है और गर्व महसूस करते हैं। उनसे हमारी बातचीत के दौरान लेखक ने उदासी भाव प्रकट करके कहा कि हम बुझते हुए सूरज की तरह है। जीवन के इस पड़ाव से जूझते हुए लेखक के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण दिख रही थी। उनकी रचनाएं हिंदी छात्रों को हमेशा प्रोत्साहित करती रहेगी और हिंदी साहित्य में जयजीवंत का नाम हमेशा स्मरणीय रहेगा।
Thank you.